ढोलकपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहा करती थी। इन दिनों बरसात का सुहाना मौसम था। काली बादल अपने घटाओं में खूब सारा पानी भरकर पूरे जंगल में बरसात कर रखी थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहती है, बारिश आने वाली है और मेरा घोंसला तो टूटा फूटा है। कहीं मेरा घोंसला बरसात में बह न जाए, अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया के दो नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वो दूसरा घोंसला नहीं बना पाई, क्योंकि उन बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। टूनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों से मदद मांग लूं, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर टूनी चिड़िया सबसे पहले कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भाई, ओ कालू भाई, मेरा घोंसला कमजोर हो चुका है, आप थोड़े दिन के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो। मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस बारिश के मौसम में मेरी मदद कर दो। टूनी, तुम तो जानती हो ना गौरी को, वो बिल्कुल भी रहने नहीं देगी। तुम किसी और पक्षी के पास जाकर मदद मांग लो, शायद वो तुम्हें वो अपने घर में जगह दे सके। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने इतने कम लाइक किए, मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, आप इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टूनी चिड़िया एक एक करके अपने सारे दोस्तों के पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो थक हार के अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास आ जाती है। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, बस आज रात मेरा घोंसला सही सलामत रखना, कल सुबह होते ही मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, इतनी जोर की बारिश शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं? अरे बादलों, मुझ पे थोड़ा तो रहम करो, एक तो ये पानी बहुत ठंडी है। और तेज बारिश के कारण टुनटुनी का घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे वहां से उड़कर एक डाली पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों की सुरक्षा बारिश से करने लगती है। देखते ही देखते सुबह हो गई, लेकिन बारिश रुकी नहीं रही थी। तभी आसमान से एक छोटा सा बादल टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे बहन, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? इतनी तेज बारिश में तुम बीमार हो जाओगी, अभी तो और भी तेज बरसात आने वाली है। अरे बादल भाई, कल रात जब बारिश आई तो मेरा घर टूटकर बह गया था। अरे बहन, तुम जंगल में किसी भी पक्षी के यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकती थी ना? अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब जमाना बदल गया।
बहन, मैंने तो सुना था कि पक्षियाँ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अरे बादल भाई, मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। थोड़े ही दिन पहले मेरे पति की गंभीर बीमारी से मौत हो गई और अब बरसात की वजह से मेरा घोंसला भी टूट गया है। मैं अपने बच्चों के साथ लावारिसों की तरह भटक रही हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई सहारा नहीं मिला। बहन घबराओ नहीं, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। बादल भाई, अब आप ही कोई उपाय बताओ। बहन आप एक काम करे, आप मेरे ऊपर एक घोंसला बना लो और उसमें रहने लगना। हाँ बहन, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए। अच्छा ठीक है, बादल भैया आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिए। जब तक मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ। ठीक है बहन, आप लकड़ियाँ ले आओ और मेरे ऊपर घोंसला बना लो। मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा। फिर आपके बच्चों को ना ही गर्मी लगेगी ना ही बरसात में भीगेंगे। फिर टोने चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आती है और बादल के ऊपर एक सुंदर सा घर बना लेती है और फिर थोड़ी देर बाद बादल आसमान की ओर चल देता है। बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद बादल टूनी से पूछता है, अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। अरे बहन, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हर भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की हर मुश्किल में मदद करे। अब टोने चिड़िया अपने बच्चे और बादल के साथ मौज मस्ती से रहने लगती है।